रूस ने अमेरिका पर क्या आरोप लगाया है, इसकी डिटेल आप देखिए। रूसी रक्षा मंत्रालय का अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप, युद्ध में अमेरिका कर सकता है केमिकल हथियारों का इस्तेमाल। रूस के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रेन की एक बोगी में लाया गया है केमिकल बम, यह रूस का आरोप है। क्रामाटोर्स्क नाम की जगह पर यह बम लाया गया है, क्रामाटोर्स्क का स्टेशन। एक बार यूक्रेन के इस स्टेशन को रूस ने ड्रोन अटैक में उड़ा दिया था, आपको याद होगा, वहीं पर यह लाया गया यह बम, ये पूरा बोगी जो रासायनिक हथियारों से भरी हुई है। क्या होते हैं केमिकल हथियार, क्या कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। बॉम्ब में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल होता है, क्लोरीन सबसे पहला केमिकल हथियार है, मस्टर्ड गैस का भी केमिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया, सामूहिक विनाश के हथियारों की कैटेगरी में ये रखे जाते हैं। हमारे संवाददाता मनीष झा जो इस वक्त रूस यूक्रेन बॉर्डर से लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, केमिकल वेपन्स, इससे पहले भी बार बार बात हुई कि बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, अमेरिका ने यूक्रेन में कई सारी बायोलैब्स खोल रखी हैं जहां इस तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये कितना गंभीर आरोप है और कैसे देखें इसको? बिल्कुल गौरव, देखिए रूस का कहना तो यही है कि पक्की सूचना है और उनके पास सबूत है और इंटेलिजेंस ने जो एविडेंस गैदर किया है उसके हिसाब से किस ट्रेन से कितने नंबर बॉगीज में कितना केमिकल बॉम्ब आया है, केमिकल वेपन आया है और उसे कहां रखा गया है, कहां पर इसे इस्तेमाल करने की योजना है यूक्रेन में, वो सब कुछ उनके पास है और उनका कहना है कि दरअसल इससे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि मनीष बता रहे थे, रूस का ये आरोप बहुत गंभीर है और अगर ऐसा होता है तो तबाही ला सकता है यह केमिकल हथियारों का इस्तेमाल, क्योंकि केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से बहुत तबाही होगी। मनीष जुड़ चुके हैं, मनीष बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कनेक्शन कट गया था बीच में। जी बिल्कुल, देखिए सो मैं कह रहा था कि रूस का कहना यह है कि सारे सबूत मौजूद हैं, उनके पास पता है कि किस ट्रेन से आई है, किस बॉगी में है, किस स्टेशन पर रखा गया है, अभी क्या पोजीशन है, और उनका यह भी कहना है कि दरअसल ये सब कुछ हो रहा है ताकि यूक्रेन की सरजमी पर इसका इस्तेमाल वही लोग कर देंगे और फिर आरोप रूस पर लगाया जाएगा कि देखिए रूस ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। मेरा कहना यह है, खास करके वॉर जोन में तमाम जगह जाकर मैंने जिस तरह की युद्ध की तैयारियां देखी है, चाहे वो एंटी टैंक गन हो, एंटी टैंक माइंस हो या फिर तमाम दूसरी और हथियारों के बीच में मैंने रात गुजारी, कि इस महायुद्ध में अब अगर केमिकल वेपन चाहे दोनों में से कोई भी पार्टी इस्तेमाल करे उसके बाद फिर उसको रोकना मुश्किल होगा। और वैसे ही बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटी हो रही है कि शहर के शहर, गौरव मैं आपको बताऊं, मेरी आंखों के सामने मैंने उन्हें खंडहर बनते हुए देखा। बिल्कुल सही बात, अब तक हम किताबों में जो है वो नालंदा के खंडहर कहा करते थे, यहाँ पर तो मैंने उन शहरों को खंडहर होते हुए देखा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष। मनीष बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे।